एक त्योहार मनाने वाले लोगों में जाकर वहाँ खीर को लात मार देना और उसमें आकर के चाकुओं से हमला करना, इनके ऊपर चाकू से हमला किया। प्रभाव से प्रशासन को चेत होकर इसको कार्रवाई करनी चाहिए। मंदिर में जागरण के दौरान चाकूबाजी, 8 लोग घायल। दिल्ली अजमेर हाईवे पर लगा जाम, 2 गुटों के बीच झगड़ा, अस्पताल में करवाया घायलों को भर्ती। जयपुर के करनी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा के मौके पर आयोजित जागरण में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जब श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे हुए थे, तब अचानक 2 गुटों के बीच कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और चाकूबाजी की एक भयानक वारदात गठित हुई। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जागरूकता के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन RSS संघ द्वारा किया गया था, जहाँ खीर वितरण के दौरान विवाद की शुरुआत हुई। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने इस धार्मिक कार्यक्रम पर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। इस तनावपूर्ण स्थिति में चाकू से हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर करनी विहार थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तेजी से कार्रवाई की और जाम हटवाया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश जारी है। घटना के बाद सिविल लाइन्स के विधायक गोपाल शर्मा, उद्योग और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने SMS ट्रोमा सेंटर पहुंचकर घायलों की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया और इलाज की जानकारी ली। ये जो घटना हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई, कि पता नहीं क्या किस चीज का घमंड, क्या पैसे का घमंड है, किस चीज़ का घमंड है, या किसी कनेक्शन का घमंड है, पता नहीं कैसे एक त्यौहार मनाने वाले लोगों में जाकर वहाँ खीर को लात मार देना, लोगों पे गुस्सा करना और फिर चक्कू निकाल के मार देना, बड़ी अजीब सी घटना है। पुलिस तुरंत उसकी तहकीकात कर रही है, उनको डिटेन कर लिया गया है। जो भी गाड़ियाँ उनकी मदद के लिए कोई आ रही है, उनको भी डिटेन करा जा रहा है वहाँ पर। तो स्थिति पूरी नियंत्रण में है, पूरी तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। इन सब की भी, हमारे सभी इन सभी साथियों की, नागरिकों की स्थिति भी ठीक है, डॉक्टरों से बात हुई है, ज्यादा गंभीर सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा पूरी रात भर। घटनाक्रम ये है कि स्वयंसेवक शाखा में थे, शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम चल रहे हैं, 1-2 दिन बाद तक चलते हैं, और उसमें आकर के चाकुओं से हमला करना ये कायराना और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक तो कभी सुनने में नहीं आया कि इस तरह से चाकू लेकर के जयपुर के अंदर और शाखाओं पर हमला कर दिया जाए, ये सहन नहीं किया जाएगा। ये पुलिस प्रशासन की फेल्योरनेस है, इसके कारण गुंडा तत्वों के अंदर इतना साहस व्याप्त हो गया है कि वो आम जन और सज्जन लोग और धर्म के लिए शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे लोगों पर हमला कर सकें। मेरी अभी कमिश्नर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, जो भी शामिल हैं उनको रात को ही पकड़ा जाए, और अभी हम इनकी चिकित्सा के प्रति ज़्यादा चिंतित हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई शरद पूर्णिमा उत्सव था, कोई 15-20 कार्यकर्ता शरद पूर्णिमा उत्सव में भजन गीत गा रहे थे, खीर चल रही थी, खेलकूद का कार्यक्रम। वहीं मंदिर के पास में रहने वाले कोई चौधरी ऐसा करके उन्होंने अपने बेटा और कुछ लोगों के साथ इनके ऊपर चाकू से हमला किया। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनमें से 6 यहाँ भर्ती हैं, 2 धनवंतरी में हैं। सबका फर्स्ट एड हुआ है, लेकिन कुछ के डीप इंजरीज हैं। चाकू भी बहुत गहरे तरीके से बहुत नीचे तक मारा गया है, इनके लोगों के चोट काफ़ी आई है। एक बार सीटी स्कैन होकर के बाकी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। कारण जितना मैंने पूछा यहाँ पर, इन सब घायलों से मैंने तुरंत ही में आ गया तो खबर मिलती, सबसे पूछा तो उनका ना कोई दुश्मनी थी ना कोई झगड़ा था, क्या कारण था मैंने पैसा बताते हैं। जिस व्यक्ति ने हमला किया वहाँ का हिस्ट्री शीटर है, जमीनों पर ग्रैबिंग का, कब्जे करने का काम करते रहते हैं। तो इस मंदिर की भी कोई जमीन पर था, लेकिन कोई किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि कोई कारण रहा होगा इस कारण। ये ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति संबंध है, सामान्य काम करने वाले लोग हैं, कोई व्यापार करते हैं, कुछ करते हैं निकल करके। शरद पूर्णिमा अपन जानते हैं कि अपने शरद पूर्णिमा उत्सव का जो महत्व है, मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव भजन का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसने भी किया है उसका सरफरा व्यक्ति हो सकता है, असामाजिक तत्व है, इसके ऊपर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। मेरी जानकारी में 2-3 को गिरफ्तार किया, बाकी बता। कार्यकर्ता आराम से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो हर वर्ष करते आ रहे हैं लगातार। कुछ हमारे स्वयंसेवी संघ के हैं, कुछ हमारे लोकल कार्यकर्ता, मोहल्ले की जो हमारे शाखा है उसके लोग थे सभी, और इन पे अचानक आके हमला किया गया। पहले खीर का भगोना फेंका गया, फिर इस तरह से 10 लोग
इंजरीज जो है जिनमें एक दो की हालत ज़्यादा सीरियस है, सबके चाकुओं के गहरे घाव है, लेकिन ये जो वारदात हुई है हृदय विदारक है और कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि तुरंत प्रभाव से प्रशासन को चेत होकर इसको कार्रवाई करनी चाहिए। जानकारी के अनुसार अपराधी नसीब चौधरी अक्सर शिव मंदिर में होने वाले आयोजनों पर एतराज जताता था। स्थानीय लोगों से यह सुनने में आया है कि वो मंदिर की जमीन पर कब्जा भी करना चाहता है और इस तरह के जानलेवा हमले की पहले से तैयारी कर रहा था। पुलिस अब इस चाकूबाजी की घटना की जांच कर रही है। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जयपुर में धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है? आखिर ऐसी घटना कब तक होती रहेगी? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।